पास क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन का इनवर्स एक्स है और इस पे पावर दी हुई क्यूब, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे। वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स में डेरिवेटिव लेना है इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स डिवाइड बाय साइन इनवर्स एक्स का क्यूब, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर पावर दी जाएगी तो पावर का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। पावर का डेरिवेटिव लेने का मकसद ये है कि माइनस करे जाएगा वन, ये भी आपको पता होगा। एक्स ऐसे ही लिखूँगा, थ्री लिख दूंगा यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स लिखूँगा। अब फंक्शन क्या है, सिर्फ फंक्शन ये है, तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे एज इट इज़ ऐसी का ऐसी लिख दूंगा। अब अगर आप पावर का माइनस कराते हो वन, डेरिवेटिव लोगे पावर के साथ, तो माइनस वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और ये थ्री नीचे आ जाएगा, मतलब थ्री साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। अच्छा, जब साइन का अगर मैं इन्वर्स लेता हूँ, साइन का इन्वर्स का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन डिवाइड बाय रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव।